ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वली, स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व की तुलना में भारत की स्थिति को बेहतर बताया है, आप क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा स्थिति किस तरह है? ये बिल्कुल दो टूक बात की आपने, और ये ICMR से और स्वास्थ्य मंत्रालय से वेटेड स्टडी है, पर मिलियन इज लोएस्ट और 3102 ही है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और सिचुएशन इज फार बेटर जो के ये कोरोना की है। लेकिन देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हमको एक भी लाइफ को, एक भी जीवन खोना नहीं है, और उस न खोने में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। कम से कम मास्क तो लगा के निकले, और निकलने के बाद 2 मीटर का डिस्टेंस तो मेंटेन रखें। तो ये दो काम तो हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा काम अगर नहीं कर सकते कि निकलना है, तो मैं ये नहीं कहता कि कॉमर्शियल एक्टिविटी खुली है और लॉकडाउन खुले हैं, अनलॉक हुआ है, तो हमको सब चीज करनी है अनुशासन के साथ। और पूरी दुनिया की नजरें इस समय भारत पर टिकी हैं। उसका एक कारण ये भी है कि भारत पूरे विश्व को 70% वैक्सीन देता है, इसलिए सब ये चाह रहे हैं कि भारत में सब खैरियत रहे। तो वो बहुत दूरगामी नजरों से भारत की ओर इस समय पूरा विश्व देख रहा है, और हमको इस समय अटमोस्ट डिसिप्लिन का परिचय देना है। लेकिन साथ में क्या हुआ है कि हमारे गांवों में कोरोना जो चला गया है, उससे हमारे नंबर्स बढ़ गए हैं और टेस्टिंग से भी नंबर्स बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी डेथ काबू में है और हमारे जो मरीज हैं उनमें जो बीमारी की तीव्रता है वो भी काबू में है। तो एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे लोग हैं, और ये भी एक अचीवमेंट मैं देख रहा हूँ। ये एक अचीवमेंट है कि हमने इतने ज्यादा टेस्ट कर डाले हैं, तो ओवरऑल पिक्चर जो है वो ऐसी कोई दुखदाई नहीं है। लेकिन अगर मैं मास्क लगा के बाहर नहीं निकलूं तो वो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तो डॉक्टर वली, क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, लेकिन जब तक आम नागरिक या सिटीजन इसमें भागीदारी अपनी नहीं निभाएगा, जब वो जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात हो, और दूसरे जो दिशा निर्देश हैं उनके पालन करने की बात हो, तो अगर बात जनता की है, अगर वो उसे पूरी तरह से उसका पालन नहीं करेगी, तो ये नंबर्स कंट्रोल नहीं हो सकते? जी, नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए ना, तो ये आपकी बात बड़ी वैलिड हो जाती है। सरकार ने तो पहले दिन से सब काम कर दिया, एक टांग पे खड़ी है सरकार, तो मैं तो ये कहता हूँ। एक टांग पे खड़े होने का मतलब ये है कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सारे चीफ मिनिस्टर्स, लोकल बॉडी सब कोरोना के लिए सब अपना काम छोड़ के एक ही प्रोग्राम में लगे हैं कि हमको कोरोना से लड़ना है, वो देश बड़ा सौभाग्यशाली है, उसकी जनता बड़ी सौभाग्यशाली है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो चीजें वेंटिलेटर है, किट है, मास्क है, 95 ये बनते नहीं थे, और हम दूसरों को एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में। डॉक्टर वली, बहुत सारे लोग हैं जो मास्क न लगाने के लिए बड़े सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। कुछ कहते हैं कि मास्क लगाने से उनकी सांस फूल जाती है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, इसलिए मास्क नहीं लगाना है। कुछ लोग कहते हैं, अरे नहीं, इतना छोटा वायरस होता है, मास्क क्या रोकेगा। तरह तरह के तर्क सोशल मीडिया पे लोग देते हैं, जो फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं। तो आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसी को दोबारा से अंदर ले लेते हैं, इसलिए तकलीफ होती है उन्हें। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने ये जो मुद्दा उठाया है, मैंने इस मुद्दे का समाधान करके देख लिया है। मैं 3 दिन पहले तक 2 मास्क लगा रहा था। उसका मतलब ये है कि सर्जिकल मास्क मेरा संक्रमण बाहर नहीं जाने देगा और N95 बाहर का संक्रमण अंदर नहीं आने देगा। लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से इतना घबराया हुआ हूँ, क्योंकि मैं मरीज भी देखता हूँ, तो मैंने 4 मास्क लगा के देखे और अपना सेचुरेशन देखा और सारे मरीजों को दिखाया, 98 और 99 के बीच में था। कोई न सफोकेशन हुआ, न दम घुटा, बल्कि और आराम ये मिला कि मेरा चश्मा 2 मास्क से जो फॉग हो जाता था वो नहीं हुआ। इसका मतलब मेरी हवा लीक नहीं हुई नाक और मुंह के बीच की। जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जो निकल गई है, ब्लड से निकल के सांस में आ गई है, उसको हम कितनी भी कोशिश कर लें अंदर ले जाने की, वो दोबारा अंदर जा ही नहीं सकती। हवा ही अंदर जाएगी, हवा ही जाएगी, और हवा की ऑक्सीजन शरीर की जो धमनियां हैं, लंग्स की, वो ले लेंगी। कोविड में मानसिक संतुलन लोगों का बहुत खराब हो रहा है। इस पे पूरा पेपर पब्लिश हो गया है और ये रिसर्च ये बताती है कि आइंदा आने वाले दिनों में
30-32% लोगों में डिप्रेशन, 42% लोगों में एंग्जाइटी, 40% लोगों में नींद की कमी और 20% लोगों में ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर ये हो रहा है। इसकी जो संख्या है वो बढ़ेगी और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कोविड होने के बाद पीटीएसडी होने जा रहा है। तो ये जो मास्क न लगाने की प्रवृत्ति है, मैं इसको इन्हीं कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहा हूँ कि जो लोग अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं रख पा रहे हैं वो इस तरह की सोच रख रहे हैं। डॉक्टर वल्ली, अगर किसी व्यक्ति को बुखार है और 3 दिन से ज्यादा है तो क्या वो कोरोना हो सकता है और उसे क्या टेस्ट कराना चाहिए? हर एक आदमी को इस समय कोरोना टेस्ट कराने की इजाजत दे दी गई है सरकार की तरफ से और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो कोरोना टेस्ट करा सकता है ऑथोराइज लैब में जाके केवल अपने आधार कार्ड को ले जाकर। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी इजाजत दे दी गई है कि वो कोरोना का टेस्ट जब चाहे कराएं, किस तरीके का कोरोना का टेस्ट जाके कराएं। तो अब इसमें कोई रुकावट नहीं है क्योंकि हमारे पास किट्स बहुत ज्यादा हैं, दोनों तरह की किट्स हैं, एंटीजन किट्स भी हैं और हमारे पास आरटीपीसीआर की किट्स हैं। दोनों तरह का टेस्ट कोरोना का हो रहा है और उसके बाद मैं इसमें और एक चीज जोड़ रहा हूँ कि कोरोना हवा से फेफड़ों में जा रहा है। अगर आप जेब इसकी इजाजत देती है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में फ्री टेस्ट होता है तो सीटी स्कैन छाती का अपने करा लें। कभी कभी सीटी स्कैन में ज्यादा प्रोमिनेंट दिख जाता है कोरोना का संक्रमण। डॉक्टर वली, मन पे जब किसी चीज का बहुत असर हो जाता है तो वो बहुत देर में जाता है, शरीर पर असर होता है, उसका इलाज होता है और ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी चीज पे मन पे असर होता है तो डॉक्टर साहब वो बहुत समय लगता है। क्या कहेंगे कोरोना के वो लोग जो ठीक होकर आ रहे हैं? मन पे असर पड़ रहा है, मन जो हृदय वाला है वो भी मुतासिर हो रहा है, मेरा माइंड है वो भी मुतासिर हो रहा है। तो ये जो हो रही है मानसिक अवसाद की स्थिति है, ये डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग क्योंकि लोगों की कमाई के जरिए कम हो गए हैं, थोड़ा सा उनकी नौकरियों पे असर आ गया है, कुछ फैक्ट्री वर्कर्स जो गांव में चले गए हैं वो भी अवसाद के शिकार हो गए हैं कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, मुझे जॉब का क्या होगा। तो ये मिलीजुली जो एक स्थिति बनी है, कोरोना का भी इफेक्ट है हार्ट पे और माइंड पे कि कोरोना की जो टॉक्सिन्स हैं जिनको हम ब्रेडिकाइनिन कहते हैं, जो अभी परसों ही थ्योरी आई है, आपने सुना होगा एक साइटोकिन स्टॉर्म की हम कोरोना में बात कर रहे हैं जिससे पेशेंट सीरियस हो जाता है। तो साइटोकिन्स वो कंपाउंड हैं जो IL-6 ग्रुप में आते हैं और एक ब्रेडिकाइनिन होता है जिससे ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। तो ये जो टॉक्सिन कोरोना के शरीर में प्रवेश होने के बाद निकल रहे हैं ये हमारी मानसिक स्थिति को और हृदय को दोनों को एक साथ प्रभावित कर रहे हैं। इनकी बात बिल्कुल ठीक है और जो कोरोना से ठीक होने के 3-4 महीने तक शरीर में जकड़न, दर्द, कमजोरी बगैर किसी लक्षण के रहता है उसको हम लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं और ये लॉन्ग हॉलर्स जो हैं ये पॉजिटिव कोरोना टेस्ट भी दे देते हैं। जो सेकंड वेव की हम बात कर रहे हैं मैं उसको भी यहाँ खत्म कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सेकंड वेव आ गई है कोई कोरोना की, लेकिन ये लॉन्ग हॉलर्स जो हैं जो कोरोना से संक्रमित पहले शुरू में हुए थे उनके अंदर जो वायरस पार्टिकल्स हम डिटेक्ट कर रहे हैं RT-PCR से क्लोन करके DNA को, वो RNA जो डिटेक्ट हो रहा है वो RNA पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। तो इसलिए ये कहना कि सेकंड वेव आ गई, डरना इसकी बात से कि सेकंड वेव आ गई, ये तो बिल्कुल किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। हालांकि इसमें स्पेशलिस्ट की राय थोड़ा सा मुझसे फर्क है, लेकिन मैं उनका सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि कोरोना का सेकंड वेव आने के लिए फर्स्ट वेव का गायब होना जरूरी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।